कल मब्बी सहायक थाना क्षेत्र के केतुका गांव में तालाब में डूबकर दो बच्चियों की मौत हो गई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार केतुका गांव में हरि यादव की 11 वर्षीय पुत्री सोनी कुमारी एवं जीवच यादव की पुत्री अंजलि कुमारी 10 वर्ष की गांव के ही तालाब में नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से उसमें डूबकर मौत हो गई थी। आज दरभंगा नगर विधायक संजय शराबगी के द्वारा मृतक के परिवार को आपदा प्रबंधन के तहत दोनों बच्चियों के परिवार को 4,20,000 का अनुग्रह अनुदान किया गया। दोनों मृतक बच्चियों के पिता दिव्यांग हैं। 11 वर्षीय नंदनी कुमारी का पानी में डूबकर तालाब में मौत हो गया था। दोनों बहुत गरीब परिवार हैं। एक के माता पिता तो दोनों दिव्यांग हैं और एक भी गरीब परिवार है। तो कल भी हम लोग आए थे शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने, और आज बिहार सरकार के आपदा मद से दोनों के परिजन को उनकी माँ के नाम पर 4,40,000 का चेक दिया गया। 20,000 रुपया मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना से दोनों के परिजन को 20,000 की राशि दी गई और पंचायत के खाते से 3,000 रुपया जो कबीर प्रतिष्ठा की राशि दी गई है। बिहार में आपदा विभाग से 4,00,000 की राशि सरकार ने बिहार सरकार ने तय की थी और राज्यों में 2,00,000 मिलता है, लेकिन बिहार में यह राशि 4,00,000 है। तो इसी के भी बच्चों की या परिजन की मृत्यु सामूहिक दुर्घटना या डूब के या आपदा के मद में हो जाती है तो उनको हम लोग वापस नहीं ला सकते, लेकिन अविलंब 24 घंटे के अंदर हम लोग उनको 4,00,000 का चेक। 20,000